घर में इतना कुछ हुआ है तो पूजा को ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ होने के बाद, इतना तमाशा होने के बाद हो सकता है कि किसी को उसका बर्थडे याद ना रहा हो। बट सरप्राइजिंगली नरेन केक लेकर आ जाते हैं और उन्हें विश करते हैं और फिर छेड़ भी रहे हैं। बर्थडे के दिन तो छोड़ देना चाहिए ना, बीवियों को छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोग का तो चालू ही रहता है। तो पूजा ने भी सोचा कि आज बर्थडे है तो आज मैं 3-4 चीज़ें तो मनवा ही सकती हूँ। आज सही दिन है। नोटबुक थमा दिए हाथ में, उन्होंने बोला कि केक तो तभी कटेगा जब आप मेरे यहाँ इस नोटबुक पर क्लॉजेज नोट करेंगे कि आज के बाद आपको क्या क्या फॉलो करना है। पता नहीं, पूजा ने लिखवा तो दिया है कि आप रोज़ 1 घंटा ऑफिस से आने के बाद मुझसे बात करेंगे, दिन में 2 बार फ़ोन करेंगे हालचाल पूछने के लिए, और भी बहुत सारे क्लॉजेज़ जो हर बीवी चाहती है कि उनका पति करे। और उन्हीं क्लॉजेज़ में जो नरेन है उन्होंने कंडीशंस लगा दी हैं कि अगर मुझे नींद नहीं आ रही होगी तो मैं बात कर लूँगा, अगर मुझे ये सही होगा तो ये तब तो ये सब तो चलता ही रहता है मियाँ बीवी के बीच में। देखते हैं अब कितना मानते हैं वो। ऐसा तो लग रहा है कि चीटिंग ही कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन तो होती ही है, और लेकिन हाँ, इस बात का यू नो दिस बेनिफिट ऑफ डाउट कि घर में इतना कुछ हुआ है तो हो सकता है कि उस चक्कर में भूल भी गए हैं, लेकिन अच्छी बात है ना कि उनको याद था। अगर बहुत अच्छा था, अभी तो पूजा आज बर्थडे है तो उसका फ़ायदा उठाकर बहुत सारे क्लॉजेज जो हैं उनसे लिखवाने वाली है, रखवाने वाली है।